सर बैंकिंग सेक्टर में करूर वस्या बैंक देखिए। जैसे अभी मैंने कहा था कि बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, एंड स्टॉक्स जैसे प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक है एंड पीएसयूज है, तो उसमें हम एक आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं इंडेक्स छोड़ के स्क्रिप्ट वाइज। तो करूर वैश्य भी वैसे ही एक अच्छी पैटर्न उसने बनाई थी काफी टाइम पहले, वहां से जो चला है लाइक आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बैंक, फिर दूसरी जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, जो सब चले हैं एक अच्छे मूव दिया है। सेम तरीके से करूर वैश्य ने भी अच्छा मूव अपसाइड दिया है, एंड आने वाले दिनों में इसमें और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 115 से लेकर 120 तक ये जा सकता है, बट फ्रेश पोजीशन ऐड ना करें, जो पोजीशन आपके पास है उसको होल्ड करें और 120 के आसपास देख सकते हैं थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग के लिए या कंप्लीट बुकिंग के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो, बट नया ऐड ना करें। एंड लोअर लेवल्स अभी के लिए इसमें काफी लो हो जाएगा, तो अभी बताना कुछ भी डिफिकल्ट है कि कहाँ पर हम इसको रीबाई कर सकते हैं, वो जब वो चार्टिकल पैटर्न बनेगी तब इसमें नया व्यू करेंगे, पर टेम्पररी होल्ड कीजिए ये अगर आपके पास है तो। आई थिंक 115 से 120 का टारगेट हम इसमें लेके चल सकते हैं। जी तो सर ने ये राय दे दी है करूर वैश्य बैंक पर, बता दिया है कि क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू, कि अगर आप जी ऑलरेडी सर होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें 93 का स्टॉप लॉस रख के चले, कि अगर 93 ब्रेक करता है तो आप इसको बेच दें। जी, तो सर ने साथ में आपके लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस भी दे दिया है। 93 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अगर इसे ब्रेक करता है तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली इस पोजीशन अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं।